morning, students. In the last lecture, we were discussing about the diversity of the life. Diversity of life. Now, diversity mein humne padha regarding what biodiversity means. The topic tha biodiversity. अब आपने समझा कि जो biodiversity है, it means variety and abundance. That means variation, morphological या genetic जो है. That means genetic and morphological variation between living organisms. अब इतनी variety and abundance हमारे पास है. साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट जब साइंटिस्टों ने सोचा इन द अर्ली डेज कि हमारे पास बहुत से वैरायटी एंड अबंडेंस है ऑर्गेनिजम्स की, तो चले हम इस वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले शुरुआत हुई, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना, इस डायवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, नाम था उसका कार्लस लिनियस. उसने क्या किया, उसने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इस बायोडायवर्सिटी में, उसने उसको डिवाइड किया, बायोडायवर्सिटी को डिवाइड किया दो किंगडम्स में. कौन से दो किंगडम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया दो किंगडम्स में, किंगडम प्लैटी एंड किंगडम एनिमेलिया. मतलब ये कि उसने क्या किया, उसने बोला कि सारी बायोडायवर्सिटी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो ये प्लांट हो सकते हैं या कोई एनिमल हो सकते हैं. आज हम सोचते हैं कि बहुत आसान है कहना प्लांट एंड एनिमेलिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट कैन बी अ प्लांट एंड कैन बी एनिमल. बट उस टाइम इन द 1700s ये सब थॉट देना कि देयर कैन बी अ प्लांट एंड एनिमल, एंड रीजन इज दैट वी नो दैट दिस कार्लस लिनियस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी. सो शुरुआत जो हुई है इन ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना कि किस वाले किंगडम से ये बिलोंग करते हैं, कि चाहे ये प्लांट है या एनिमल है, तो कंसेप्ट किसने बेस स्टार्ट किया था, दैट इज द कार्लस लिनियस. तो मेथड क्या था, उसने इन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो किंगडम्स में, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसने लिए. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को उसने डिवाइड किया किंगडम प्लांट और एनिमल में, फर्स्ट वन वाज दैट इज द सेल वॉल. इसने डिफरेंटली आई विल टॉक ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस जिसकी वजह से लिट्रॉन दी ऑब्जेक्शन स्कैम दिया. सेकेंड इज दैट इज द लोकोमोशन, एंड थर्ड वन दैट इज द न्यूट्रिशन. अब क्या बोला उसने, कार्लस लिनियस ने, उसने बोला कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो सकता है, इसमें लोकोमोशन हो सकती है, इसमें देयर कैन बी द लोकोमोशन कैन बी देयर, लोकोमोशन कांट बी देयर. इसमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हो सकती है, इसमें हिटेरियोट्रॉपिक हो सकती है, ये कुछ क्राइटेरियम दिया था उसने.
दैट मीन्स उसने बोला अगर एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांट कहलाता है, अगर इसमें लोकोमोशन एब्सेंट है तो ये प्लांट कहलाता है, अगर उसमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है तो ये प्लांट कहलाता है। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल देयर इज नो लोकोमोशन एट ऑल, देयर इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्लैनेट में डालते हैं। दैट मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल की प्रेजेंस, लोकोमोशन की एब्सेंस, न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक मोड है, ऐसा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है किंगडम प्लैनेट का। एंड अगर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट है, लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसकी डिपेंडेंट ऑन अदर्स है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप किंगडम एनिमिलिया में डालो। लेटर ऑन ये थॉट चलता गया। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट लीनियस वॉज नोइंग अबाउट द डिमेरिट्स, उसने कोशिश की इसको चेंज करने की, सुधारने की, बट टाइम डज नॉट परमिट एनीवन। दिस थॉट कंटिन्यूड फॉर सेवरल इयर्स। लेटर ऑन कुछ एक्सेप्शंस वजूद में आए, कुछ एक्सेप्शन वेरियस ऑर्गेनिजम्स की एक्सेप्शंस। आई विल टेक वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, दैट इज ऑफ द स्लाइम मोल्ड ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो फेजेस आ जाते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज में, टू फेजेस। अब वेजिटेटिव फेज कौन सा फेज कहलाता है, वेजिटेटिव फेज इज दैट फेज ऑफ द लाइफ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी डेवलप करता है। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जिसमें इट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स इसमें गिमीट्स मैच्योरेशन हो जाती है। जब गिमीट्स मैच्योर हो जाएंगे तभी उसमें क्या होगा, उसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है स्लाइम मोल्ड में जब वेजिटेटिव फेज होता है तो इसमें लोकोमोशन होती है, इट इज लोकोमोटिव इन वेजिटेटिव फेज, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ही दिस स्लाइम मोल्ड इज हेटेरियोट्रॉपिक, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट। अब सेल वॉल एब्सेंट, लोकोमोशन इज देयर, हेटेरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज पर लीनियस, ये किस किंगडम से बिलोंग करता, एज पर दिस इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। दैट मीन्स ये एनिमल है। मगर क्या होता है जब इसमें आ जाता है स्टेज टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन, इसमें यह हो जाता है कि इट बिकम्स नॉन लोकोमोटिव, मींस अब यह एबल नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स नॉन लोकोमोटिव। सेकेंड थिंग, व्हेन इट बिकम्स नॉन लोकोमोटिव, पहले यह लोकोमोटिव था, पहले यह एक जगह से दूसरी जगह जाता, at that time it depends on the other organism so that it can obtain the food. Abhi ek jagah hai, that's why ab ise food bhi chahiye na survive karne ke liye, so that it would perform reproduction. Now at that time isme kya hota hai ki it becomes autotrophic. Ab dekho, as per Carolus Linnaeus aise organism ko ab hum kis mein dalte, there is absence of cell wall,
मान लो हम तीन क्राइटेरियन में से तो दो क्राइटेरियन मिल रहे हैं ना किंगडम प्लांट के, शैल वी प्लेस इट इन द किंगडम प्लांट? एक ही ऑर्गेनिज्म लाइफ के दो स्टेजेस में दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन बने दिस टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो Carolus Linnaeus gave the two kingdom system of the classification. So Carolus Linnaeus ने क्या किया? इसने दिया two kingdom system of classification. Two kingdom system of classification. What are these two kingdoms? These two kingdoms are the kingdom Plantae and kingdom Animalia. ठीक है भाई? So the first thing is that इस डायवर्सिटी को समझने के लिए पहले जो साइंटिस्ट आए जिसने थॉट दिया, चले हम इस बायोडायवर्सिटी को, इस वैरायटी ऑफ अबंडेंस को, ऑर्गेनिज्म की जो है इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो उसने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो किंगडम्स में, दैट इज किंगडम प्लांटे एज वेल एज किंगडम एनिमेलिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, उसने बोला कि जो ये कार्लस लिनियस है इसने सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है इसने सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है दो ही किंगडम्स में, ये एनफ नहीं है सारी डायवर्सिटी के लिए, सारी डायवर्सिटी दो ही किंगडम्स में नहीं हो सकती है, नॉट ऑल दीज कैन बी प्लांट्स नॉट ऑल कैन बी द एनिमल्स। दैट्स व्हाई अ साइंटिस्ट के नेम वाज अर्नेस्ट हैगर। उसने क्या प्रपोज किया, नया किंगडम दिया। तो ये जो ये नया साइंटिस्ट आया कॉल्ड एज अर्नेस्ट हैगल, उसने एक नया किंगडम प्रपोज किया, न्यू किंगडम, इसने नया किंगडम प्रपोज किया। जब उसने नया किंगडम दिया तो नेम ऑफ दैट किंगडम वाज किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्ट। अब कितने किंगडम्स हमारे पास अब है? नाउ वी हैव, ये क्वेश्चन आ जाता है, हु प्रपोज्ड द किंगडम प्रोटेस्ट और थ्री किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैगर। तो कितने किंगडम बने हमारे पास? वन किंगडम प्रोटेस्ट जो नया दिया गया था, सेकंड वन किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे, एंड थर्ड वन दैट इज किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए The three kingdom system of classification was given by whom? It was given by Ernest Haeckel. It was given by Ernest Haeckel. No. So, what are the three kingdoms? Kingdom Protista, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. Ab de, naya kingdom. जब नया किंगडम बनता है तो इसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेंबर्स ऐड होते हैं, मेंबर्स ऐड होते हैं। जैसे नए स्टेट की कंस्ट्रक्शन, नए स्टेट का वजूद में आना, जस्ट लाइक वी गॉट द न्यू यूटीज, टू यूटी, वन इज द लद्दाख एंड सेकंड इज दिस कश्मीर, जे एंड के, जम्मू एंड जे एंड के, वी हैव द टू आईओटीज नाउ, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब इस यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, कुछ चीजें ऐड होगी। पहले ये एक था जम्मू एंड कश्मीर, अब डिवीजन हुआ, जम्मू हुआ अलग एंड सॉरी जम्मू एंड कश्मीर एक हुआ, लद्दाख अलग हुआ। पहले जे एंड के में जम्मू कश्मीर लद्दाख थे, थ्री प्रोविंसेस,
अब यूटीज बने, लद्दाख अलग हुआ और जेएनके अलग हुआ। अब जेएनके में भी जो फंड्स, वेलफेयर फंड्स, बाकी क्रिएशन ऑफ डिफरेंट चीजें जो है टू परफॉर्म ऑल दिस, वी गॉट द सेपरेशन ऑफ दिस। दैट मींस लद्दाख में भी कुछ नया ऐड होगा, इसमें भी नया ऐड होगा। सिमिलरली जब किंगडम्स बनते हैं तो मेंबर्स ऐड हुए। कंफ्यूजन के बारे में हमने देखा रिगार्डिंग दिस लाइन बोर्ड, दैट मींस एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस में हमने देखा कि देयर आर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट बिहेव्स इन बिटवीन द प्लांट एंड द एम्बियम। तो ऐसे सिस्टम में क्या हुआ, नया किंगडम वजूद में आया। तो जितने भी मेंबर्स ऐड हुए किंगडम प्रोटिस्टा में, ऑल मेंबर्स वायर एडेड फ्रॉम द किंगडम प्लांट, ये क्वेश्चन आ जाता है। दैट मींस टू द किंगडम प्रोटिस्टा न्यू मेंबर्स वायर एडेड फ्रॉम द किंगडम प्लांट। कौन से मेंबर्स, लाइक दैट जितने भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड इन दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वी हैव यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग किया गया था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग किया गया था और ऐसे मेंबर सभी ऐड हुए किंगडम प्रोटिस्टा। एट द टाइम ऑफ द कार्लस लिनियस वी वर नॉट हैविंग द माइक्रोस्कोप देयर, वी आर नॉट नोइंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी वी केम टू नो अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एंड यू नो दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे न्यूक्लियस में जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस, दैट मेक्स इट द न्यूक्लियोइड। ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म। अब न्यूक्लियस कहां है, विद इन द सेल। जब माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट किया गया, तभी जाके हमने ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी वजूद में। अब इन छोटे ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर होता है, मींस दैट इज मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। दैट मींस ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बनी हुई होती है एक सेल की थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। That means from the birth to the natural death, इसकी body confined हुई सिर्फ एक, confined रहती है एक ही cell। That means it's the unicellular। Now, second is the organism, that is the multicellular। Multicellular is that organism that's body is made up of the different cells throughout the lifespan। From the birth to the natural death, body is made up of the different cells, multiple number of the cells, that is multicellular। अब प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं जिनमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इन व्हिच देयर इज न्यूक्लियस जो है इसके बाहर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ट्रू न्यूक्लियस। That's why we say that in which there is a true nucleus, that's called as the eukaryotic। तो मतलब क्या होता है कि उसमें जो है nuclear membrane well developed, ठीक है। तो kingdom protista में members added away from the kingdom plantae, and all these members have been added from the kingdom plantae, both prokaryotic as well as eukaryotic। इसके बाद क्या हुआ? No, there are the different organisms। इसके बाद अच्छे से स्टडी हुई रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और पता चला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देयर इज द लॉट ऑफ द डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस ये है, न्यूक्लियस अलग, उसमें
जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और इनसाइड जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, देयर इज अ लॉट ऑफ द डिफरेंस. देयर कैन बी द टू प्लाज्मस, वन इज द साइटोप्लाज्म दैट इज द फ्लूइड विद इन द सेल, एंड देयर कैन बी द न्यूक्लियोप्लाज्म दैट मींस द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस. तो क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड, that is called as Copeland. He gave another kingdom, and the name of that kingdom is Kingdom Monera. So the fourth, now there is the next kingdom. So totally हमारे पास कितने kingdom है, one kingdom, नया kingdom, kingdom Monera, second one kingdom Protesta, third one kingdom Plati, and the last fourth one, that is Kingdom Animalia. ठीक है बेटा, चलिए. So नया member, नया kingdom जो है कौन सा एड हुआ, Kingdom Monera. अब देखो Kingdom Monera में क्या किया, जितने भी prokaryotic योनि cellular organisms है, prokaryotic यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको अलग किया गया. लाइक वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव ब्लू ग्रीन एल्गी, वी हैव द आर्की बैक्टीरिया, वी हैव द माइकोप्लाज्मा, वी हैव द एक्टिनोमाइसिस, इन सबको किंगडम मोनेरा में डाला गया. इन द किंगडम प्रोटेस्टा वी आर हैविंग द यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर, वी आर हैविंग यूकेरियोटिक unicellular organisms, like we have the dinoflagellates, we have the diatoms, no, we have the protozoans, all have been placed in what? In the kingdom Protista. In the kingdom of Plati, we were having all the plants, in the kingdom Animalia, we were having the animals. But important was this, that the algae and the fungi were placed still in this kingdom Protista. Algae and fungi, they were still placed in this kingdom Protista. That's why we say that we are having the four kingdoms now. That's why we say that Copeland, the four kingdom system of the classification was given by whom? The Copeland. Kingdom system of classification. System of classification. So kingdom system, four kingdom system of the classification was proposed by the Copeland. What are the four kingdoms? That is the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plati, and kingdom Animalia. Uske baad kya hua? Dekha gaya. The algae resembles with that of the plants, not that of the Protista. The fungi is the separate organism. It does have this the chlorophyll. It does have the absence of the chlorophyll. But the thing is that it has have the saprophytic mode of the nutrition. We should not place this fungi with that of the plants. It should be separated. That's why there came to be another scientist called as R.H. Whitaker, who gave a five kingdom system of the classification by separating the kingdom fungi from this kingdom Protista and made another kingdom called as the kingdom fungi. He gave another kingdom called as the kingdom fungi. So who came? There came a scientist called as the R.H. Whitaker. Called as R.H. Whitaker. R.H. Whitaker. So this R.H. Whitaker gave another kingdom called as the five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification. Five kingdom system of classification. So, अगर question आ जाए,
who gave the five kingdom system of the classification? It was given by the R.H. Vitter. Now, which is the kingdoms, fifth kingdom? The fifth kingdom, which is being added, fifth kingdom, that is kingdom Thanjai. So, total, hamare paas kitne kingdom hai? Now, first kingdom is kingdom Monera. Second is kingdom Protista. Third one is kingdom Fungi. Fourth one is kingdom Plati. Fifth one is kingdom Animalia. Kingdom Animalia. Now, इस आरएच विटाकर ने क्या किया? इसने कुछ बेसिस और प्रिंसिपल्स दिए, बेसिस और प्रिंसिपल्स, जिनके बेसिस पे और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उसने किया प्रपोज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स or basis given by R.H. Whittaker of this five kingdom system of the classification. First basis, the principle, jiske basis pe usne kya kiya, usne kingdoms ko classify kiya. The first is, that is cell complexity or cellular complexity. Cellular or cell complexity. Cellular complexity. Cellular complexity. दूसरा उसने दिया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज ही गेव अनदर प्रिंसिपल और बेसिस कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ही गेव अनदर बेसिस दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. He gave another basis, that is ecological rule. These were few bases or principles because of which what the R.H. Whittaker classified all organisms into the five kingdoms. Itna yaad rakhna, hamesha bachchon ko galti kahan pe hoti hai? Galti ho jati hai सेल कॉम्प्लेक्सिटी और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. वो गलती क्या होती है? वी कैन हैव ए ऑर्गेनिज्म एज द प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. वी आर हैविंग ए ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. यही गलती इन दोनों में होती है. वी चेक द पेपर्स एंड सी दैट देयर इज द एरर इन दिस. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, सिंपल सी फॉर्मूला याद रखनी, दैट इज कॉल्ड एज द ओम. जैसे मेमोराइज इट विद द ओम मंगलम मंगलम. ठीक है भाई? या वी हैव द ओम द अनदर थिंग. ओम, जब भी ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमेशा ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. दैट मींस हुआ ये, that means the basis or the principle given by the R.H. Whittaker about this five kingdom system of the classification is that in the cellular there can be the cellular organism. An organism can be unicellular or multicellular. Unicellular or multicellular. Regarding the cell complexity, an organism can be prokaryote. Regarding the nutrition, an organism can have autotrophic, it can have the autotrophic mode of nutrition, or it can have the heterotrophic, where we have the different types. An autotroph can be chemosynthetic, it can be photosynthetic. The heterotrophic can as well as be the saprophytic. It can be of the different types of these, the heterotrophic mode.
about the phylogenetic relationship, we discussed about the evolutionary sequence. That means evolution be very important hai regarding the kis mein hum jo hai plant kahan se ya organism kahan se evolve hua hai uska evolution bhi dhyan mein rakh ke humne usko categorize karna hai phylogenetics. Now about the ecological role he discussed about an organism can be producer, it can be a consumer, it can be a decomposer. So these were the basis of the or the principles given by the R.H. Tucker of the five kingdom system of the classification. Today आज कल के दौर में वी आर हैविंग द सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. सिक्स किंगडम सारे किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया. तो नया किंगडम कौन सा है? मोनेरा में हमारे पास दो चीज है, या तो बैक्टीरिया या तो आर्की बैक्टीरिया. ठीक है बेटा, आर्की प्रिमिटिव बैक्टीरिया. इसी आर्की बैक्टीरिया को अलग करके नया किंगडम. That's why we are having the kingdom. This Archaebacteria pehla, Monera third and fourth and fifth and the sixth. This concept, sixth kingdom system of classification, it's given by the carnivores. Carnivores. So in the next lecture, we'll take it towards what are the different characteristics, and we will have the tabulated form. For tabulated form, mein, discuss karenge all the characteristics. Thank you.